हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक ज्ञान पर। और दोस्तों, आज जो है मैं अपने कार की हेडलाइट को क्लीन करवा रहा हूं। आप देख सकते हो हेडलाइट में कितना पीलापन और डर्टी, मतलब बिल्कुल गंदी सी हो गई है। नाइट में जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता आगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और मैं आपको जो है पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्लीन करना है। आपके पास अगर पुरानी कार है तो आप ही ये कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो शुरुआत में हम सबसे पहले 600 नंबर जो है एमडी पेपर है, मैं इससे शुरू करूँगा। सैंड पेपर बोलते हैं इसको, तो मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, खुली बनाओ। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा इसको रब करेंगे ना, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये जो पाउडर निकल रहा है पीला पीला, जितना ज़्यादा इसको घिसेंगे उतना ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगी। अभी मैं काम ले रहा हूँ 1500 नंबर का। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि लगभग लगभग लाइटें क्लीन हुई है थोड़ी बहुत। अभी अंदर से जो बल्ब है वो दिखने लग गया। ये वही लाइट है, देखिए जो येलो 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 जो अपना पीलापन था वो लगभग लगभग ख़त्म हुआ है। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये थोड़ी ख़राब ज़्यादा है, लेकिन अभी जो इसमें ना मैंने पानी नहीं पानी से थोड़ा साफ़ नहीं किया, इसकी वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा। लेकिन ये लाइट थोड़ी ख़राब ज़्यादा है, को भी क्लीन तो कर देंगे। तो पहले से तो काफी बेहतर है। चलिए, और अभी जो है बचा है वो मैं बता देता हूं आपको, मैं कौन सा सैंड पेपर यूज करने वाला हूं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं अभी 2000 नंबर यूज करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, घिसाई तो पूरी हो चुकी है सैंड पेपर से। अभी ये कुछ पॉलिश है जो इस पर रगड़ के जो है वो ग्राइंडर मारेंगे। ये देखिए, ये पेंट पॉलिश जो होती है वो वही पॉलिश है, कुछ खास नहीं है। आप कोई भी पॉलिश अच्छी वाली ले सकते हो। मेन तो क्या होता है, सैंड पेपर है ना, वो 2000 या 3000 नंबर का, आप जितना उसको घिसेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो अभी बंदा जो है ये लगा रहा है पॉलिश, इसके बाद ग्राइंडिंग करेगा, इससे थोड़ी सी जो है फिनिशिंग मिल जाएगी बढ़िया वाली। तो इस पर ग्राइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो लेफ्ट साइड वाली लाइट है उसको भी ग्राइंडिंग करते हैं।
लाइट बराबर पड़ी, लाइट दोनों बराबर पड़ी और तो खत्म हो रही है लाइट ही, हट पड़ गया लाइट। तो यार साफ दुखी नहीं हुई नहीं तो है भी तो बड़ी बड़ी हुई दो साल हुई तो पावर नहीं रहा कोई ना धुआं को नहीं दो साल बाद ये डिबिली सवा छह लाख में लो मॉडल है जी सिर्फ तो नहीं वो डी पेट्रोल में क्या डी फाइनली जो दोस्तों आप देख सकते हो कि लाइट है बिल्कुल एकदम नई जैसी हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन एकदम। ये देखिए अंदर से जो बल्ब है वो दिखने लग गई, कुछ कुछ स्क्रेचेज हैं जो मतलब पुराने होने की वजह से है, वो जाएंगे नहीं, बाकी लगभग लगभग पूरी क्लीन हो चुकी है, पहले से काफ़ी बेहतर है। ये देख सकते हैं, मैं उधर वाली अभी भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन, ये मैं पास में ले जाकर दिखाता हूँ। इसमें कुछ स्क्रेचेज हैं जो आपको दिखाई देते होंगे, देखो ये स्क्रेच नहीं है, ये मतलब जो है धूप की वजह से ख़राब हो गई है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इस लाइट से भी ज़्यादा वो अच्छी होगी रियल में दोस्तों। अगर आपकी भी मतलब गाड़ी में ये प्रॉब्लम है ना तो आप ये ट्राई करो, बिल्कुल एकदम। वेरी नाइस। और दोस्तों अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आप कार लवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।